श्लोक याद आता है, या हिंदु सिंधु पर्यंत यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षेत। ये जो देश है, ये जो भूभाग है, ये भूभाग ऐसा नहीं है जैसे बाकी धरती के दूसरे कोने हैं। ये भूभाग देवों के द्वारा निर्मित है। पूरी दुनिया का जो वातावरण में है, उस वातावरण को मिला के एक अलग कल्चर, एक अलग मिनी भूभाग है जिसके अंदर पूरी दुनिया का वातावरण मिलता है। तो ऐसा हमारा देश है, इसके अंदर सब कुछ संभव है। जो दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता, वो हमारे इस भारत देश के अंदर हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोगों को अपने समाज के साथ लड़ने के साथ साथ हमारे जो साइंटिस्ट है, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी हमको लड़ना पड़ता है। हमारी जो मुहिम है ये सोशल मीडिया के ऊपर हमारी ज़्यादा चल रही है। हम फेसबुक के द्वारा लोगों के साथ जुड़ते हैं, किसानों को उसमें जोड़ते हैं, उनको उसमें हम प्रेरित करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। लेकिन उसमें कुछ साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। अभी मुझे याद आता है एक कोई हैं चिरंजीत परमार जी, वो हर दूसरे दिन उनका फेसबुक के ऊपर अपडेट आता है, ये 2022 तक कैसे लोगों की, किसानों की आय दुगना होगी ऑर्गेनिक के साथ, ये होगा इसकी या तो दुगनी क्रॉप होनी चाहिए या फिर इसका रेट दुगना होना चाहिए। अरे भाई पहले देखो तो सही, आप केमिकल के ऊपर सारा रिसर्च करते रहेंगे, ऑर्गेनिक के ऊपर भी करेंगे? ऑर्गेनिक के थ्रू हम प्रोडक्शन को तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके साथ साथ हमारी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा आती है। हमने लास्ट ईयर जो है 150 पर केजी से बेचा।